श्याम दोनोवाल तो ओपीडी सेवा शुरू करने सरकारी आदेश के विरोध में आखिरकार डॉक्टरों ने कामबंद हड़ताल शुरू कर दी है। करघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से संविदा पर नियुक्त एवं आयुर्वेद के डॉक्टरों के भरोसे इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कटघोरा के आसपास वनांचल क्षेत्र होने से कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में सुबह से ही इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीज हलकान हो रहे हैं। ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड को आयुर्वेद डॉक्टरों के भरोसे और संविदा में नियुक्त एमबीबीएस डॉक्टरों के भरोसे छोड़े जाने से मरीजों को इलाज बगैर निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। कटघोरा अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों के पहुंचने का क्रम अन्य दिनों की तरह सुबह से ही जारी रहा। डॉक्टरों ने गुरुवार को दोपहर तक समय दे रखा था कि 3 बजे तक सरकार उनकी मांगों के बारे में विचार करती है तो वे काम पर लौट आएंगे। ड्यूटी पीरियड में होने के बाद डॉक्टर नए मरीजों का इलाज करने से बचते रहे, पुराने मरीजों की ही इलाज की औपचारिकता जारी रही। रूटीन चेकअप के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को बाद में आने का रहा दिखाया गया। डॉक्टर्स के नहीं रहने से अब वो निजी अस्पताल जाने पर मजबूर है। पहले से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे अस्पताल में गिनती के विशेषज्ञ हैं, उनके भी हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अस्पताल में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आयुर्वेदिक एवं संविदा पर 2 डॉक्टर बैठे हैं। इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीज डॉक्टर बदल जाने से वापस हो गए हैं। अन्य दिनों की तरह पुरुष और महिला वार्ड में रूटीन चेकअप के लिए रात के समय डॉक्टर नहीं पहुंचे। भले ही अन्य दिनों की अपेक्षा मरीजों की उपस्थिति कम थी, लेकिन दूर दराज से पहुंचने वाले मरीजों के लिए बिना इलाज वापस लौटना परेशानी का सबब बना रहा। अरे पास अभी अल्टरनेटिव व्यवस्था के तहत असिस्टेंट मेडिकल सहायक लोगों को, आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सीएससी में लगाया गया है, तो बेसिक काम हो रहा है। एक्यूट इमरजेंसी कैजुअलिटी के लिए हमारे पास व्यवस्था है, लेकिन हड़ताल में जाने से काम प्रभावित तो हुआ है, क्योंकि समस्त महिला चिकित्सक चली गई हैं हमारे यहाँ से।